स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास i20 आ रही है और हमारे साथ है सोनू भैया, जो कि आपको यहीं पे मिलेंगे जे ऑटो पे। भैया क्या काम हो रहा है i20 में? i20 में सिस्टम का काम है, सीट का है, फ्लोरिंग है, ठीक है, और अपना डोर वाइजर, बिल्डिंग शीटिंग, ये सब काम सारा सिस्टम अच्छा लगा रहा है। सिस्टम हैवी रहने वाला है। हाँ, और DRL वगैरह भी कुछ लगे लगी है। भैया जो साइड इंडिकेटर है हमने डाले गाड़ी में पहले से, वो पहले से डले डले मोटा मोटी सिस्टम का अच्छा काम है। लाइटें वाइटें चाहिए चाहिए सब डालिए, रूप में लगाइए, ठीक है, गाड़ी को बेसिक तरीके से तैयार करते हैं। तो गाड़ी में बेसिकली अपनी म्यूजिक अपग्रेड हुआ और प्लस थोड़ा सा लुक पे काम हुआ, बाहर के काम हुआ, लुक के तरफ काम हुआ। तो गाड़ी के पास लेके चलते हैं, फिर हम वापस आएंगे भैया कॉस्टिंग में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं। तो देख लो यहाँ रखे हम जियो ऑटो, जो कि अब मैं आपको i20 के पास लेके चलता हूँ, काम दिखाता हूँ गाड़ी का, क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी में। प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं गाड़ी में, जो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी अपना स्पोर्ट्स मॉडल है, तो गाड़ी की स्पोर्ट्स लुक बना दी गई है। अगर हम स्टार्टिंग में लाइट्स की बात करते हैं तो अपने ये देख लो, अपने DRL लगा रखे हैं, जो कि यूनिवर्सल DRL स्ट्रिप आती है। थोड़ा सा उस साइड से भी लुक दिखाता हूँ अभी मैं आपको, इसके इंडिकेटर वगैरह चला के दिखाऊंगा भाई, बहुत ज़बरदस्त लुक आती है इसकी। उसके अलावा नीचे अगर बात करते हैं तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये अपनी जो है ग्रिल रहने वाली हुंडई की ब्रांडिंग वाली। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आप लुक देख सकते हो भाई, ज़बरदस्त लुक रह रही है इसकी। मैं थोड़ा आपको ना DRL के इंडिकेटर से ला के दिखाता हूँ, सो दैट आपको लुक का आइडिया हो जाए किस टाइप की लुक रहने वाली है। तो आप लुक देख सकते हो भाई, ज़बरदस्त लुक आ रही है गाड़ी की, ये देख लो आप। उसके अलावा जो ग्रिल है ना ये वाली, थोड़ा सा मैं आपको जूम में दिखाता हूँ, ये ग्रिल बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, अपना हुंडई की ब्रांडिंग हो चुकी है, प्लस साथ में डिज़ाइन आ रहा है विद क्रोम फिनिश। तो ये आप लुक देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लुक रह रही है अपनी गाड़ी की। अब हम साइड की तरफ चलते हैं, साइड प्रोफाइल पे आते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो गाड़ी में ना बड़ा स्मार्ट क्रोम का काम हुआ है। ये देख सकते हो अपने गाड़ी में क्रोम हैंडल लगवाया भैया ने। उसके अलावा ये विंडो क्रोम कहते हैं, ये देख लो आप। उसके अलावा ये क्रोम वाइजर रहने वाले हैं, तो ये चीज़ बहुत खास लग रही है। थोड़ा सा मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ डोर एक बार, कि किस तरह की पूरी लुक आ रही है, किस तरह की पूरी प्रोफाइल रहने वाली साइड वाली। तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि अपने स्पोर्ट्स मॉडल रहने वाली, तो भैया ने लुक भी काफ़ी गाड़ी की स्पोर्ट्स लुक बना दी है, तो भाई क्रोम से काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और अपने ये डोर गार्ड वगैरह रहने वाले हैं, इसका मैंने आपको बताया कि भाई हमारे डोर्स वगैरह जब हम खोलते हैं ना, तो साइड से स्क्रैचेस वगैरह आने के डर रहते हैं, अगर पास में वॉल है या कोई गाड़ी खड़ी है, तो इससे आपकी सेफ्टी ज़बरदस्त वाली मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप ये देख सकते हो अपना डोर बीडिंग लगी है, जो कि गाड़ी को लुक के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देती है। अगर पास से कोई गाड़ी या बाइक वगैरह निकलती है ना, तो इस तरह से आपकी गाड़ी स्क्रैचेस वगैरह अच्छे तरह से बच जाती है। तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम इधर की बात करते हैं तो अपने रूफ रेल डाल रखे हैं प्रॉपर, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी लुक रहती है इससे छत की। उसके अलावा अगर हम इधर बात करते हैं तो अपने DRL जो कि आगे लगते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, तो टायर्स वगैरह भी डाल रखे हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत बंदे आजकल लगा रहे हैं। ये अभी नॉर्मल मोड में आपको दिखाऊंगा, अभी अपने इंडिकेटर्स चल रहे हैं, तो उस टाइप की लुक आ रही है, आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की लुक रहने वाली है। अगर हम इस साइड आते हैं तो अपने क्रोम वगैरह का भी काम हो रखा है, काफ़ी स्मार्ट काम हो रखा है क्रोम का, जैसे आप देख सकते हो बैक साइड पर, ये अपनी बैक लाइट पर क्रोम वाला रहने वाला है। थोड़ा सा पीछे से आपको कंप्लीट लुक दिखाता हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए किस टाइप की लुक रहने वाली है, ये देख लो प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो नीचे रिफ्लेक्टर्स भी डाल रखे हैं भैया ने, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये अपने रिफ्लेक्टर्स डले हुए, मैं आपको जला के दिखाऊंगा। उसके अलावा ये अपने स्पोर्ट्स लुक देने के लिए पीछे से भी स्पोर्ट्स लुक दी हुई है, तो अपने देखो डिफ्यूज़र डाल रखे हैं, अब भैया ने रिफ्लेक्टर्स वगैरह ऑन कर लिए हैं। ये अपने शायद इंडिकेटर्स के साथ रहते हैं, एक बार मैं आपको इंडिकेटर ऑन, रिफ्लेक्टर विद ब्रेक लाइट रहने वाले हैं, अभी नॉर्मल है, ब्रेक वाला जला के दिखाता हूँ एक बार किस टाइप का आउटपुट रहेगा ब्रेक के साथ। उसके अलावा अगर हम थोड़ा बात करते हैं तो अपने ये जो है बैक, जो बैक गियर लगाते हैं ना, उसके बाद ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्टर में भी है। और अगर हम इधर आते हैं तो अपने ये कैमरा डाल रखा है, रियर कैमरा विद नाइट विजन रहने वाला है, अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा अंदर के, तो चलेंगे जब अंदर की बात करेंगे तब। तो देख सकते हो ब्रेक लाइट के साथ साथ भैया ने बैक गियर डाला है अभी, तो आप देख पा रहे होगे भाई इस तरह का अपना रिफ्लेक्टर रहने वाला i20 का। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लो लुक बड़ी गाड़ी की ज़बरदस्त लग रही है, काफ़ी अच्छी लुक बनाई है भैया ने। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर दिखाते हैं अंदर क्या क्या काम हुआ है अपनी गाड़ी में, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा था अपने बैक कैमरे की, जैसे देखो भैया ने बैक गियर डाला हुआ है और आप देख पा रहे होगे भाई, ये देखो इस टाइप की विजन वगैरह हमको मिलने वाली है काफ़ी क्लियर है भैया। सिस्टम में अपना कंपनी फिटेड है ना, कंपनी फिटेड, उसके साथ कैमरे को एडजस्ट किया है, तो ये काफ़ी बढ़िया जो है आउटपुट आ रहा है। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, 8 बजे का टाइम हो रहा है लगभग, और आप जैसे देख सकते हो। अब सीट कवर दिखाता हूँ मैं आपको।
तो देख सकते हो अपने जो है वेलकम प्लेट कहते हैं, वेलकम लाइट कहते हैं ये, कि अपना जो टॉप मॉडल कह रहे हैं जो अपनी लग्जरी गाड़ियों में फीचर आता है वो वाला फीचर भैया ने इसमें डलवा दिया वेलकम लाइट। भाई काफ़ी अच्छी लुक आती है। उसके अलावा अगर हम इधर आते हैं तो आप देख सकते हो ये भैया ने ATM लाइट लगवाई है, रिमोट के साथ चलती है, कलर चेंजिंग मोड रहते हैं। भैया एक बार दिखाना, मैं उधर से अंदर आता हूँ फिर दिखाना भैया प्रॉपर है। यहाँ से अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आपको सीट कवर दिखाता हूँ भाई, प्रॉपर बकेट फिटिंग रहने वाली है। ये देख लो बहुत ही अच्छी लुक आ रही है भाई, जो कि अपना इंटीरियर है ना उसी के साथ मैचिंग भैया ने सीट कवर वगैरह डलवाए आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हो ये पिलो वगैरह, ये अपने कुशन्स वगैरह रहने वाले हैं, तो ये चीज़ बहुत ही यूनिक बनाती है गाड़ी को काफ़ी। ये रेस्ट भी आपके नेक को रेस्ट वगैरह मिल जाते हैं स्पेशली लॉन्ग ड्राइव में। उसके अलावा लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो ये सारा काम है। अब हम थोड़ा सा और अंदर तरफ चलते हैं तो भैया ने ग्रास मैट वगैरह डलवाए हुए हैं, उसके बाद फ्लोरिंग वगैरह नहीं करेगी पर ग्रास मैट वगैरह डलवाए हैं, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। भैया जो ATM लाइट की बात कर रहे थे एक बार वो जलाना ज़रा कलर चेंज करके, ये देख लो अब रेड लाइट कर दी भैया ने, ग्रीन लाइट कर दी। भाई ट्रेंडिंग चीज़ है, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है बट काफ़ी ट्रेंडिंग है, हर कोई लगवाता है। तो देखो कलर चेंजिंग वगैरह सारा रहने वाला है, भैया कलर चेंज कर रहे हैं तो ये अब पर्टिकुलर एक कलर पे अदरवाइज ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अभी म्यूज़िक चलाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वाला चेंज करके दिखाएंगे, बाकी काफ़ी इसमें कलर मोड्स रहते हैं। भाई ट्रेंडिंग चीज़ें अच्छी लगती है, सबकी अपनी चॉइस है। कई बंदे कहते हैं भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मेरे को तो अच्छी लगती है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, डिमांडिंग है। नॉर्मली जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हर एक गाड़ी में लग रहा है, बाकी देखो सबकी अपनी चॉइस है। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, जो मेन काम हुआ ना अपना देखो स्टेरियो तो ये अपना कंपनी से आया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम वगैरह जो स्पीकर वगैरह अपने बेस ट्यूब, और उसके अलावा बात करते तो एम्प लगा है, एम्पलीफायर। भैया कौन सा एम्पलीफायर लगवाया गाड़ी में आपने? देख सकते हो अपने मिशिगन का जो है एम्प रहने वाला है। अब मैं आपको साउंड वगैरह सुनाऊंगा किस टाइप का साउंड मिलने वाला है हमको। अब ये देखो आप इसमें जो है लाइट HID वगैरह लगी है, आप आउटपुट देखो जबरदस्त आउटपुट रहने वाला है आप जैसे देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम नीचे बात करते हैं तो फॉग लाइट में भी LED वगैरह डलवाई है भैया ने, जो नॉर्मल येलो लाइट आती है उसको चेंज करवा के। तो अब लुक वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है, प्लस आउटपुट आप देख सकते हो भाई ज़बरदस्त आउटपुट आ रहा है आपके सामने ही है। आज मैं आपको सुनाता हूँ पंजाबी सॉन्ग, भैया साउंड जबरदस्त है गाड़ी में। कितने पे भैया? भाई 10 पे, और देख लो भाई बेस वगैरह देखो जबरदस्त है। बेस देख सकते हो अभी अपना वॉल्यूम जो है 10 या 12 पे ही है, तो भाई बेस देखो क्या जबरदस्त बेस रहने वाली है। ये अपने देखो वाइब्रेशन आप देख सकते हो, जो बेस ट्यूब है जो एम्प लगा है उसका आउटपुट आप देख सकते हो, क्या सॉलिड आउटपुट रहने वाला है भाई। जैसे सुना आपने साउंड वगैरह, भैया कैसा था साउंड? एकदम बढ़िया। तो भैया आज हमारे पास i20 लेके आए हैं, अभी दो भाई और हैं ना? हाँ, दो भाई और हैं तो उनके साथ पूरा सबका मिलके लेंगे फीडबैक वगैरह, बाकी काम वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। एक बार गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं भैया, वैसे मज़ा आया ना काम में आपको? हाँ मज़ा आ गया। तो प्रॉपर फीडबैक सबके साथ लें, बाकी एक बार गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। जो साउंड वाला पार्ट था तो भाई मेरे को तो बहुत जबरदस्त लगा। भैया आपका क्या कहना साउंड का, मज़ा आया ना जो साउंड आपने एक्सपेक्ट किया? तो भाई थोड़ी सी साउंड थी अपने, हमने 10 या 12 पे वॉल्यूम था। हाँ, और भाई गाड़ी पूरा ना वाइब्रेट कर रही थी जबरदस्त वाली, मतलब लग रहा था भाई गाड़ी में जो है साउंड का काम हुआ है जबरदस्त वाला। बाकी एक बार गाड़ी का 360 डिग्री व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, फिर भैया आएंगे उनसे फीडबैक लेंगे पूरा। तो